मंगलमय संत समाज, सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियां, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान कहते किसे हैं? सामान्य रूप से हम जानकारी को ज्ञान मान लेते हैं, लेकिन जानकारी ज्ञान नहीं होती। इसीलिए बहुत कुछ जानने समझने के बाद भी आदमी भटकता रहता है। जो काम नहीं करना चाहिए वह काम करता रहता है। पुस्तकों को पढ़ लेने से, दूसरों द्वारा सुन लेने से जो कुछ हम जानते हैं वह सब केवल जानकारी है, और वह उधारी का सौदा है। उससे हमारे मन में तृप्ति नहीं होगी, उससे हमारे मन में प्रसन्नता नहीं होगी, और यदि अपनी जानकारी को हमने कर्म और आचरण के रूप में ढाला नहीं तो हमारी सारी जानकारी, हमारी सारी विद्वता हमारे अपने दोषों को छिपाने का कारण बन जाएगी। बाहर से हम ज्ञान का प्रदर्शन करते रहेंगे और अंदर विकारों से भरे हुए होंगे। इसलिए जानकारी ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जिसमें गलत को गलत जानकर छोड़ दिया जाता है और सही को सही जानकर आचरण में उतार लिया जाता है। कौन नहीं जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है? किसी आदमी को अवसर दे दिया जाए, उसे मंच पर बिठा दिया जाए, माइक दे दिया जाए और कहा जाए कि यहां जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने आपको प्रवचन देना है, भाषण देना है, तो अपने ढंग से, अपनी भाषा में, अपनी शैली में वह निचोड़ कर ज्ञान की उत्तम से उत्तम बातों को कह सकता है। भले उसकी शैली ठीक ना हो, भाषा सही ना हो, लेकिन सार उसमें जो होगा वह वही होगा जिसे एक ज्ञानी पुरुष कहता होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जैसा आदमी कहता है वैसा जीवन में आचरण करता है या नहीं करता है। आप लोगों का अनुभव होगा, जब किसी व्यक्ति के घर परिवार में उसके निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है, पुत्र हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, जिसे निकट संबंधी कहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह आदमी कितना दुखी होता है, रोता है, विलाप करता है।
आसपास पड़ोस के लोग आते हैं, सगे संबंधी आते हैं और उसे समझाते हैं कि भाई रो मत, ये तो दुनिया का नियम है, कौन यहां सदा रहने के लिए आया है। जब जिसका भाग पूरा होता है, कर्म का लेखा पूरा होता है, वह चल देता है, और कौन किसका है, सब जीव अपने अपने कर्म फल भोगने के लिए आए हैं और अपना अपना कर्म फल भोग कर यहां से चले जाते हैं, रोते क्यों हो। इस प्रकार से ज्ञान और बरात की बात बताते हैं और ऐसा लगता है कि इससे बड़ा निर्मोही और वैराग्यवान व्यक्ति दूसरा कोई और नहीं होगा। लेकिन जब उसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब वह खुद विलाप करता है। तो एक जानकारी है, सुनते आए हैं, रस्म है ऐसा कहने का कि ऐसे प्रसंग में इस प्रकार से कहना चाहिए। इसलिए ऊपर ऊपर से ऐसी बातें कह दी जाती है, किंतु ये बातें मन में दृढ़ नहीं होती। यदि किसी के मन में ये बातें दृढ़ता पूर्वक जम गई है कि संसार एक धर्मशाला है, अपने अपने कर्म फल भोगने के लिए यहां लोग आ गए हैं, प्रारब्धवश इकट्ठे हो गए हैं और एक दिन यहां का सब कुछ यहीं के यहीं छोड़ करके चला जाना होगा, ये सारी बातें मन में दृढ़ता पूर्वक जम जाए तो कोई भी आदमी अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं कर पाएगा, किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। क्योंकि इतना बैराग की बात कहने के बाद वो धोखा दे किसी को, गलत काम करे, संभव कैसे है। तो हमारी जबान पर कुछ और बातें होती है और मन पर कुछ और बातें छाई हुई होती हैं। इसलिए बहुत कुछ जानने समझने के बाद भी हम भटकते रहते हैं और गलत काम करते रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, अनेक बार गलत काम करने के पश्चात हमें पछतावा भी हुआ है, ये काम मैंने किया ये ठीक नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ग्लानी हुई और एक संकल्प हुआ मन में कि अब आगे ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन समय आता है, स्वार्थ में पड़ गए, प्रलोभन में पड़ गए, आदत के वशीभूत हो गए, फिर वही काम कर बैठे। यही बताता है हमारे अज्ञान को कि बाहर से ज्ञानी बने होने के बाद भी हम भीतर से कितने अज्ञानी बने हुए हैं। कौन नहीं जानता दुनिया में गलत को गलत, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो गलत को गलत नहीं जानता होगा और सही को सही नहीं जानता होगा। लेकिन मानते कितने लोग हैं, एक शराबी व्यक्ति जो बिना शराब के रह नहीं पाता, एक जुआरी व्यक्ति जो बिना जुआ खेले रह नहीं पाता, क्या वो शराबी और जुआरी व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरे समान ही मेरा बेटा भी शराबी और जुआरी बने? वो नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि ये गलत है, इसलिए अपने बेटे को इससे भरसक रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन स्वयं आदत का गुलाम बन गया है, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा है।
ज्ञान है, जैसा हम जानते हैं सही गलत, जितना जानते हैं कितना सही इतना गलत, उतना अपने आप को गलत से बचा करके रखें और जो सही जानते हैं उसके अनुसार से आचरण करें। और जितना जानते उसके अनुसार से आचरण करेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा। आदमी बहुत त्याग तप संयम साधना के पथ पर न चल पाए, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, मानसिकता अलग अलग होती है, वातावरण भी अलग अलग होता है सबके लिए, तो आदमी बहुत कुछ एकदम जैसे कि जीवन की पूर्ण पराकाष्ठा है, सब तरफ से पूर्ण निष्काम अनासक्त हो जाना, पूर्ण वैराग्यवान हो जाना, किसी के लिए मन में किसी प्रकार का कोई राग न रहना, ये जीवन की उच्चतम स्थिति है। और इस स्थिति में जब हम पहुंचेंगे तभी हमें परमानंद का, परम शांति का, परम तत्व का अनुभव होगा। हम चाहते यही हैं कि जीवन में हम परमानंद का अनुभव करें, परम शांति का अनुभव करें, परम तत्व आत्म स्थिति स्वरूप स्थिति की दशा में हम स्थित हो जाएं। किसके मन में यह अभिलाषा नहीं होती? और चलो ये भी होता है कि मैं भगवान को प्राप्त करके, भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊं, ऐसा भी लोग कहते हैं। ये जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, यहां तक पहुंचने की क्षमता सब किसी में नहीं होती। यद्यपि बीज सबके अंदर छिपे हुए हैं, अब अलग बात यह है कि उस बीज को कौन कितना अंकुरित कर पाता है और अंकुरित करके उसको कितना आगे पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में पुष्पित पल्लवित कर पाता है। लेकिन बीज तो सबके भीतर में है, सबके मन में यह भीष्मा है, लेकिन इस दशा में आदमी किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाता। चलो कोई बात नहीं है, एक काम कर ले आदमी और वो काम करने में हर आदमी सक्षम है। यदि स्वार्थ अहंकार और आदत के गुलाम न बने तो हर आदमी सक्षम है। और वो क्या है, आप सबका अनुभव होगा कि हमारे मन में समय से अच्छे संकल्प उड़ते हैं, समय से गलत संकल्प उड़ते हैं, बुरे काम करने के विचार भी आ जाते हैं समाज संगत वातावरण के कारण, और अच्छे काम करने के भी विचार उड़ते हैं। तो अच्छे काम और गलत काम करने के विचार हर आदमी के मन में उठा करते हैं। हम लोग यहां जितने लोग बैठे हुए हैं और बाकी और सब लोग, जितने भी लोग दुनिया में हैं, वे सब एक काम करें। और वो क्या, जब हमारे मन में कभी भी कहीं भी किसी समय में गलत काम करने के विचार उठें, गलत संकल्प उठे, तो उसको हम कल के लिए टाल दें कि ये गलत काम मैं आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। और जब अच्छे काम करने के विचार, अच्छे काम करने का संकल्प मन में उठे तो उसे कल के लिए न टाल करके आज से शुरू कर दें। देखें ये हमारा अपना जीवन, अब ये दुनिया कितनी पवित्र बन जाएगी,
स्वर्ग से बेहतर स्थिति में हम सब पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह कि गलत काम करने के विचार जो जब उड़ते हैं तो उसकी शुरुआत हम तत्काल कर लेते हैं, और अच्छे काम करने का संकल्प उड़ते हैं तब उसके लिए मौका देखते हैं, मौका तलाश करते हैं या उसे कल पर टाल देते हैं। गड़बड़ी यही होती है। हर आदमी जो मन में तनाव का अनुभव कर रहा है, पीड़ा का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है, एक खाली खाली पन का अनुभव कर रहा है, उसका कारण क्या है? इसलिए नहीं कि किसी ने कुछ छीन लिया है उसका, या किसी दूसरे ने उसे पीड़ा पहुंचा दी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने हमारा कुछ छीना नहीं है, किसी ने हमें दुख दिया नहीं है। ये जो खाली खाली पन का जो हमारे मन में अनुभव होता है, अभाव का अनुभव होता है, तनाव का अनुभव होता है, उन सब के कारण हम स्वयं हैं। तनाव का अनुभव इसलिए होता है कि हम जो काम नहीं करना चाहिए, जानते ही हैं कि ये काम गलत है, उन कामों को आदत के वशीभूत होकर प्रलोभन में पड़ करके कर बैठते हैं। और जब कर लिए तब बाद में पश्चाताप होता है, वे चिंता शुरू होती है और मन तनावग्रस्त हो जाता है। खालीपन का जो अनुभव हो तो उसका कारण यह है, जिसे हम जानते हैं यह कहें कि यह काम अच्छा है, ये करना चाहिए, इस काम के किए बिना जीवन अधूरा है, उस काम को हम कर नहीं पा रहे हैं, बस खालीपन का कारण यह है। जो आदमी सदैव अच्छे काम करने में लगा हुआ है, जिसे जानता है कि अमुक अमुक काम बिल्कुल सही है, मेरे अपने लिए दूसरों के लिए हर प्रकार से हितकर और लाभप्रद है, ऐसे काम जो आदमी करने में लगा हुआ है, उसके मन में कभी खालीपन का अनुभव हो ही नहीं सकता। असंतोष, अभाव, अतृप्त का अनुभव नहीं होगा। और जिसे जानता है कि ये काम गलत है, उन कामों से जो अपने आप को जीवन भर बचाए रखता है, उसके मन में कभी तनाव नहीं होगा। और आदमी की स्थिति आज दोनों तरफ है, विचित्र स्थिति है। एक तरफ तनाव का अनुभव में कर रहा है आदमी, हर समय टेंशन बना हुआ है मन में, और दूसरी तरफ खालीपन का अनुभव। इसका कारण बाहर कहीं नहीं है, और हम ढूंढते हैं बाहर, दोष देते हैं दूसरों को। और जितना हम दूसरों को दोष देते हैं, दूसरे तरफ अंगुली निर्देश करते हैं, उतने ही हम अपनी समस्या से और भटक जाते हैं। समस्या का निदान हमें अपने अंदर खोजना होगा कि मुझ में कहां कमी है। और जब हम अपनी कमी को खोजने लग जाएंगे, और जिस दिन हमें अपनी कमी का ज्ञान हो जाएगा और उस कमी को दूर करने के लिए हम निरंतर कटिबद्ध हो जाएंगे, प्रयत्नशील हो जाएंगे, बस सारी समस्या का समाधान हो गया। तो अपनी कमी को जान लेना और उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना, ये भी ज्ञान की पहचान है। लेकिन हम अपनी कमी को कहां खोजते हैं? हम कमी खोजते हैं सदैव दूसरे की तरफ। यदि अपनी कमी खोजने लग जाएं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी एक डेढ़ महीना पूर्व भिलाई स्टील प्लांट देखने का अवसर आया, हम 8-10 महासंतों के साथ हम लोग गए थे। तो वहां पर एक विदेशी विचारक का एक विचार लिखा हुआ था, बिल्कुल कबीर साहब की साखी का मानो अनुवाद है। विदेशी विचारक को ये नाम मुझे ख्याल नहीं हो रहा है इस समय,
भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जहां के कर्मचारी लोग काम करते हैं वहां पर एक बड़े बोर्ड में लिखा हुआ था विचार कि जब भी मुझे किसी प्रकार के ऐब या बुराई देखने का मन होता है तब उसकी शुरुआत मैं अपने से कर और आगे कभी बढ़ ही नहीं पाता। कबीर साहब ने तो कहा है ना, बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। बिल्कुल इसी साखी का मानो अनुवाद है कि जब भी मुझे किसी में ऐब देखने का मन होता है तब उसकी शुरुआत मैं अपने से करता हूं और अपने से आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन क्या हमारी दशा ऐसी है? हम कहां अपने को देखते हैं, अपने ऐब देख कहां पाते हैं? हम तो ये समझते हैं कि दुनिया में एक मैं ही ऐसा आदमी हूं जिसमें कोई ऐब नहीं है, बाकी दुनिया में सब ऐब से भरे ही भरे हुए हैं। और हमारी यही जो दृष्टि है हमें सदैव अज्ञान के चक्कर में घुमाती रहती है। हम यही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान यही कहना चाहिए, और अपनी त्रुटि को अपने ऐब को समझ जाना और समझ कर उसे दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाना, इससे बड़ा ज्ञान और क्यों न होगा। सुकरात से जो किसी ने पूछा था, आप सुनते हैं एक बार उदाहरण कि किसी ने कहा था कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो सुकरात ने कहा था हां जरूर मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को जानता हूं। जो अपने अज्ञान को जानता है उस अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता है वही तो ज्ञानी है, बाकी सब केवल जानकारी के पीछे दौड़ रहे हैं। अपने अज्ञान को जानना बहुत मुश्किल काम होता है। नीतिज्ञ नीतिज्ञ विदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्वज्ञान ज्ञानिनो विरला। महान नीतिकार और महान विचारक विद्वान अप्पय दीक्षित का श्लोक है, वे कहते हैं नीतिज्ञ नीति को जानने वाले बहुत मिलते हैं, नीतिज्ञ ज्योतिष को जानने वाले बहुत मिलते हैं, वेद और शास्त्रों के ज्ञानी बहुत मिलते हैं, ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ज्ञान रखने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला अपने अज्ञान को जानने वाले बिरले होते हैं। और जो अपने अज्ञान को जानते हैं वही तो ज्ञानी है, और जो अपने ज्ञान को नहीं जानते उन्हें हम विद्वान कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते। और महाभारत में युधिष्ठिर जी से कहलवाया गया है, बल्कि एकदम कठोर भाषा में कहलवाया गया है, पठका पाठकाश्चर्य चान्नी शास्त्र विचिन्तिका सर्वे विष्णिनो मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले और अनेक सातों चिंतन मनन करने वाले कहते हैं, युधिष्ठिर जी कहते हैं सर्वे विष्णिनो मूर्ख सभी विष्णी और मूर्ख हैं, यह क्रियावान सब पंडित जो आचरण संपन्न हैं वही पंडित है। हमें अब विचारना यह है कि हमारा नंबर किस में है, दूसरे का नंबर नहीं देखना है कि दूसरे आदमी को कितना नंबर देना यह नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारा नंबर किस में है। और यदि हम मानते हैं कि हम पंडित हैं हम ज्ञानी हैं, ठीक है, सभी आदमी पंडित हो जाएं सभी आदमी ज्ञानी हो जाएं, इससे बढ़कर के बढ़िया बात और क्या होगी। वैसे किसी से आप पूछें
अचानक किसी से पूछ बैठिए कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो यह कहे कि मैं अज्ञानी हूं। अब वैसे हम किसी को कह दें कि तुम अज्ञानी हो तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। किसी को अज्ञानी आप कह करके देखें, वह लड़ने को और मारने को तैयार हो जाएगा कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया। और जो लड़ने मारने तैयार हो गए, बता रहा है कि वह आदमी अज्ञानी है तभी लड़ने मारने तैयार हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आती है बात। हमें कोई कह दिया करके तुम अज्ञानी हो और हम गुस्से में आ गए, तुमने मुझे कैसे कह दिया, और हम नहीं समझ पा रहे मैं गुस्से में आया, ये बता रहा है कि मैं अज्ञानी हूं तभी गुस्सा कर रहा हूं। ज्ञानी आदमी गुस्सा थोड़े करेगा, ज्ञानी आदमी लड़ने माने तैयार थोड़े होगा। तो हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है। किसी से आप पूछ करके देखें कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, हर आदमी प्रायः यही कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। अब प्रश्न यह पूछे उनसे कि आप ज्ञानी हैं, बड़ी अच्छी बात, आपको दुख का अनुभव होता है या नहीं होता, आपके मन में शिकायत होती है या नहीं होती। यदि वो कहता है कि नहीं कि मेरे मन में दुख का अनुभव होता है, पीड़ा होती है, शिकायत होती है, तो यही पहचान है अज्ञान की। जो सचमुच में ज्ञानी होगा, जिसका मन निरंतर ज्ञान की बातों में रमन कर रहा है, जिसका मन ज्ञान में रम गया है, वह कभी दुखी नहीं होगा। दुख के अवसर आएंगे, दुख के कारण उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन दुख का समय आना, दुख का कारण आना अलग, ये सब बाहर बाहर है, और दुखी होना होता है भीतर से। गीता में महाराज श्री कृष्ण ने जो कहा है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग क्या है, योग किसे कहते हैं, दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग कर देना, यह योग है। दुख का संयोग कैसा, जैसे कि मान लो मैं यहां बैठा हूं चुपचाप, कोई आया और मुझे अपशब्द कहने लग गया, गाली देने लग गया, या आकर अचानक दो थप्पड़ लगा दिया, दो डंडा मार दिया, मेरी चीज को छीन लिया, तो ये दुख का संयोग उपस्थित किया उन्होंने। लेकिन मैं अपने आप को इस संयोग से अलग कर लिया, ठीक लिया, समझ लिया, ठीक उसका मन हुआ मारने को तो मार दिया, कहने को मन हुआ तो कह दिया, मेरी चीज छीनने की बात तो छीन लिया, मैं दुखी नहीं हुआ। दुख का संयोग तो उपस्थित हुआ, कारण उपस्थित हुआ, लेकिन मेरे मन में उसके स्पर्श नहीं हुआ, तो यह कहलाएगा योग। और क्या सचमुच में हमारे मन में ऐसा होता है, हमने अपने मन को ऐसा बनाया है? यदि हमने अपने मन को ज्ञान में ढाला होता तो बाहर से कोई हमें कुछ भी कहता, अज्ञानी, मूर्ख, दुष्ट, बदमाश या कुछ भी कह दे, मार भी दे, और हमारा मन दुखी ना हो, तब का हम मान सकते हैं कि सचमुच में मैं ज्ञान को समझता हूं और ज्ञान का आचरण करने लगा हूं। ऋग्वेद में एक जगह आया है, ऋषि ने जहां युद्ध का वर्णन किया वहां पर कहा है, ब्रह्म वर्म ममांतरम, मेरे अंतर का कवच ब्रह्म है। ब्रह्म, यहां ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। अपने मन में ज्ञान का ऐसा कवच पहन लें कि बाहर का कोई प्रलोभन, बाहर का कोई भय, बाहर का कोई आकर्षण, कैसा भी संयोग हो, हमारा मन लुब्ध ना हो, आकर्षित ना हो, भयभीत ना हो, और हमारा मन कभी विचलित ना हो, एक रस शांत, हर समय संतुष्ट, प्रतिकूलता में भी, अनुकूलता में भी, मान में भी, अपमान में भी, हर समय जब मन संतुष्ट तृप्त रहे,
तब कहा जा सकता है कि सचमुच में हमने ज्ञान को समझा है और ज्ञान का हम आचरण करने लगे हैं। ये कहा जा सकता है कि इस स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं, कोई भी एकाएक नहीं पहुंच सकता। लेकिन यदि हम इस बात को समझने लगे और समझ करके धीरे धीरे इस पर चलने की शुरुआत करें तो पहुंच सकते हैं। समझने का प्रयास ही नहीं करते तब चलने शुरुआत कैसे होगी। तो कम से कम ये बात हमारे मन में जमनी तो चाहिए कि हाँ, जीवन में ऐसी स्थिति होगी तब पूर्णता होगी।